Bring it on, dude. तो हमें पता है कि जैसे श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को क्या बताया गया कि वो राधा और कृष्ण के ही मिलित रूप है। तो जैसे कि श्री कृष्ण ने अपने बाल लीलाओं को किया होगा, क्या उसी प्रकार फिर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने भी उसी तरह की कुछ लीलाएं अपने जीवन में प्रकाशित की या नहीं की? तो हाँ की है। जैसे कि गुरुदेव कई दिन पहले बता रहे थे कि एक बार क्या होता है, जब ब्रज में श्री कृष्ण जन्म ले रहते हैं तो हल्ला मच गया है कि भाई नंद के यहाँ पर लाला हुआ है और वो इतना सुंदर है, उसके बड़ी बड़ी आंखें हैं, इतने बड़े बड़े केश, घुंघराले केश हैं उनके, तो उनको देखने के लिए गोपियों की जो है लाइन लग जाती है। तो ऐसा ही हुआ, एक बूढ़ी माता जी थी वो मथुरा से जो है, उनका भी मन में विचार आया कि क्यों ना तो भी जो है लाला के दर्शन करा, तो वो भी लाला के दर्शन को अपने मन में जो है मत लेकर के और वृंदावन की ओर आ जाती है। तो वो मथुरा से वृंदावन की ओर आई और उसने क्या किया, एक फल बेचने वाले का रूप बना लिया। तो टोकरे में उसने बहुत सारे फलों को रख लिया और आकर के नंद महल में और पूरे वृंदावन में वो आकर के नंद महल के बाहर आवाज लगा रही है, फल ले लो, कोई फल ले लो, फल ले लो, कोई फल, और ताजे ताजे फल, मीठे मीठे फल। कृष्ण तो जान गए कि ये बूढ़ी माता है और मेरे दर्शन की अभिलाषा लेकर के और जो है इस तरह की लीलाएं कर रही है, इधर उधर डोल रही है। तो अब उन्होंने आज पहला दिन था तो कृष्ण ने उनको जो है अपने दर्शन नहीं दिए। अगले दिन वो फिर जो है बूढ़ी माता जी इसी तरीके से फिर वृंदावन में आती है और नंद महल के बाहर फिर चिल्लाती है, बोलती है ऊंचे ऊंचे स्वर में, कोई फल ले लो फल, कोई फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, इस तरीके से। अब क्या हुआ, कृष्ण सोचा ये माता जी तो बड़ी हटीली है, ये शायद लगता है ऐसे नहीं चाहेगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने कुछ सखाओं को बाहर भेज दिया कि तुम जाओ और जाकर के फल ले लो। उन्होंने फल ले लिए लेकिन आज भी वो जो है संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनके मन में क्या था कि मुझे तो जो है कृष्ण के दर्शन पाने हैं। कृष्ण के दर्शन की अभिलाषा लेकर ही वो मथुरा से वृंदावन की ओर आई थी। अब वो इसी तरीके से करती रही। अब तीसरे दिन भी आई, आज तो उसने अपने मन में जो है निश्चय कर लिया कि वो जो है कृष्ण के दर्शन पाए बिना जो है वापस नहीं लौटेगी। और आज वो जो है फिर इसी तरीके से आवाज लगा रही करके गली में, फल ले लो फल, कोई फल ले लो, ताजे मीठे फल। अब इतना सुनते ही जब कृष्ण फिर सोचते हैं कि आज ये लगता है कि नहीं जाएगी, तो वो हट करके जो है महल के बाहर ही बैठ जाती है कि जब तक कि आज नंद के लाला मुझे दर्शन नहीं देंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर उसमें बहुत सारी बीच में बहुत बड़ी स्टोरी गुरुदेव ने कई बार सुना, मैं संक्षेप में सुना पाऊंगा उतना तो नहीं सुना सकता। तो अभी क्या होता है, कृष्ण जब उनको दर्शन देने की इच्छा करते हैं तो वो अंदर से आने की कोशिश कर रहे हैं अपने महल से, तो सोच रहे हैं मैं कैसे जाऊं, क्योंकि माता ने उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया, उनके पैरों में बड़ी अच्छी नुपुर बंधी हुई है और अगर मैं जाऊंगा तो छम छम करते करते पैर मेरे क्या होंगे, सबको पता चल जाएगा कि कृष्ण क्या है घर के बाहर जा रहे हैं। तब ऐसा ही हुआ और कृष्ण अभी दबे पांव से छम छम करते हुए बाहर आ रहे हैं और जब वो आए ना तो अपने
घर से अपने हाथों में दोनों अंजलियों में भर करके कुछ गेहूं के दाने लेकर के आ रहे थे। अब छोटे से बालक है, उनसे जो है वो अंजलि की सही तरीके से निकल रही, उंगली खुल रही है, तो कुछ गेहूं के दाने रस्ते में बिखरते बिखरते आ गए। और जब वो बाहर आए, घर के बाहर आकर के उन्होंने देखा उनके हाथ में बस थोड़े से ही कहते गेहूं के दाने बचे थे। अब उन्होंने कहा, लो माता जी तुम ये गेहूं के दाने ले लो और मुझे अपने ताजे ताजे मीठे मीठे फल जो है वो दे दो। तो मैया बोली कि नहीं, मैं ऐसे कैसे दे दूं, तुम मुझे कुछ दो। तो उन्होंने कहा, दे तो रहा हूँ ये, कि नहीं जैसे कि तुम दूसरों के घरों में माखन मिश्री खाने जाते हो, उनकी गोद में बैठ कर उनको मैया कह करके बुलाते हो, पहले मुझे क्या करो, माँ कह करके बुलाओ, मेरी गोद में बैठ जाओ। इस तरीके से अब कृष्ण सोचते हैं मैं इसको कैसे माँ कह दूँ, लेकिन वो फिर किसी तरीके से जो है उनकी गोदी में बैठ जाते हैं और उनको माँ कह करके संबोधित करते हैं। फिर अब वो जो फल बेचने वाली आई थी, वो तो कृष्ण के रूप को देख करके जो है बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई, बिल्कुल उसका तो कोई होश ही नहीं रहा, ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई जब कृष्ण का मुखमंडल का उसने जो है दर्शन किया। फिर उसके बाद उसने उनको जो है फल दे दिए और उनका सारा का सारा टोकरा खाली हो गया और अब वो जो है चले जाने लगी। जाते जाते जब वो घर जा रही थी तो देखा उसने कि टोकरा तो मैं खाली कराई, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, इतना वजन क्यों हो रहा है। तो उसने देखा कि वो जो है टोकरा सारा हीरे मोती अशर्फियों से भर गया था। तो देखो किस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने बाल लीलाओं में ही जो है अपने भक्तों के ऊपर कृपा करना शुरू कर दिया था। अब इसी प्रकार से एक लीला जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से भी आती है। क्या हुआ कि श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग, गौर भक्तवृंदों के संग जो है ऊंचे ऊंचे स्वरों में हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हुए जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे थे। कैसे गान कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग, नित्यानंद महाप्रभु के संग, गौर भक्तवृंद के संग इस तरीके से ऊंचे ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हुए जा रहे थे तो उनका जो है गला एकदम से सूख गया। तो उन्होंने सोचा उनके मन में अभिलाष हुई कि कहीं से जो है जल की अगर व्यवस्था हो जाए तो मैं जो है तृप्त हो जाऊंगा। अब ऐसा ही हुआ, श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का गला सूख गया और कीर्तन करते करते आप लोगों ने देखा हो कुछ लोग तो क्या होते हैं आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु भी कीर्तन करते करते तो थोड़ा सा आगे निकल गए और बाकी जो गौर भक्त बन थे वो सब क्या हुआ, थोड़े से उनसे पीछे हो गए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु पानी को तो ढूंढ ही रहे थे, तब उन्होंने खटार करके कहीं से देखा कि कोई एक व्यक्ति सामने से आ रहा है, व्यापारी कोई सामने से आ रहा है और वो अपने सर पर क्या एक मिट्टी का घड़ा रखे हुए है। तो उन्होंने सोचा कि जरूर इसमें कोई मिट्टी के घड़े में पत्थर भर के तो ढोएगा नहीं कि वो जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पर, जरूर उसमें जो है पानी है, जल ही होगा। तो उन्होंने उस व्यापारी से कहा, एक व्यापारी भैया तुम जरा इधर आओ, मुझे इसमें से जो है थोड़ा सा जल दे दो, मैं मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और मैं अपनी प्यास को बुझा दूंगा। अब व्यापारी ने सोचा, व्यापारी कहता है महाप्रभु को कि इसमें जल नहीं है, इसमें तो जो है छाछ भरी हुई है। और जब महाप्रभु ने सुना कि छाछ भरी है, चलो पानी तो है नहीं, छाछ से काम चला रहता हूँ। और महाप्रभु ने क्या किया, उसका घड़ा उठाया, लिया उसके सिर पे से उतारा और सारे के सारे घड़े में जो छाछ थी उसको पी लिया। अब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु उस छाछ को पीकर के तृप्त हो गए और उसको घड़ा जो है वापस कर दिया, किसको, व्यापारी को। तो व्यापारी कहता है कि जब मैंने आपको कुछ दिया तो उसके बदले मुझे कुछ दीजिए, पैसा दीजिए। व्यापारी ने इतना बड़ा क्वेश्चन जो है महाप्रभु से कर दिया। व्यापारी कहते हैं, देखो मैं तो नाचने गाने वाला आदमी हूँ, मैं तो नाचता कीर्तन करता भी जा रहा था, अब मेरे पास कहाँ से पैसा आया, तो मैं तो पैसा नहीं दे सकता। लेकिन उसने जब गौर से देखा तो वो गौर सुंदर का जो चेहरा था उसके मनों में ऐसा बस गया कि फिर उसे बाद में याद दिला कि जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु से उसे पैसा मांगना है या नहीं लेना, उसने छाछ दी कि नहीं दी। उसने फिर बाद में सोचा, अच्छा ये तो अकेला व्यक्ति है, देखो उसके पीछे पूरी फौज आ रही है, लगता है ये सब इसी के साथ में है, तो चलो इसने पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं पीछे आ रहे और सभी भक्तों से पैसा मांग लूंगा, मेरा पैसा उनसे मिल जाएगा। तब अभी महाप्रभु तो थोड़ा आगे हो गए और जो पीछे की टोली थी वो आगे आई, तो उसमें से उन्होंने क्या किया, नित्यानंद महाप्रभु जी से कहा कि भैया इन्होंने जो है मेरी छाछ ली है और आप उसका पैसा नहीं दीजिए। अभी नित्यानंद महाप्रभु उसको देखो कितना सुंदर
अगले प्रश्न उत्तर देते हैं, क्या कह रहे हैं कि जब आप देखो हमारे मालिक कौन है, वो जो आगे चल रहा है वो हमारे मालिक है, जब उन्हीं के पास आपको देने के लिए कुछ पैसा नहीं है तो हमारे पास कहां से होगा, हम तो क्या है उनके सेवक है। तो इतना कह करके वो जो है उसके मन में अब और भी कंफ्यूजन लगी और वो सोचने लगा हाँ बात तो सही कह रहे हैं कि जब उसने पैसा नहीं दिया तो ये कहाँ से देंगे। अब वो व्यापारी जो है अपने घड़े को लेकर के और कहां से अपने घर की तरफ चलने लगा। घर में जाकर के जब उसने घड़े को नीचे उतारा तो उसने देखा कि वो जो घड़ा था, जैसे कि हमें श्री कृष्ण ने लीलाओं में सुना था कि वो जो फल बेचने वाली आई थी उसका टोकरा हीरे मोती शक्ति से भर गया था, उसी प्रकार वो जो घड़ा था वो भी क्या हुआ हीरे मोती शक्ति से भर गया। और वो जो है अब सोचने लगा, बड़ा पश्चाताप उसे हुआ कि ये क्या हो गया, अरे जिस एक व्यक्ति के इस मिट्टी को छू जाने से क्या हुआ कि ये मिट्टी का जो घड़ा है वो अशर्फियों में बदल गया। अगर वो वाक्य में मुझे उस समय इतना ज्ञान हो जाता तो मैं उनको अगर अपने वो मेरे शरीर को अगर छू लेते तो मेरी क्या दशा होती। और उसने सोचा कि अब मुझे जो है अपने इस बात को जो है संभालने के लिए दोबारा से वो अपने घड़े को मारा करके अपने घर से भागा। कहने लगा कि अभी तो वो जो है कीर्तन पार्टी जो टोली थी वो शायद दूर नहीं गई होगी, वो व्यक्ति दूर नहीं गया होगा। और वो वापस आता है उसी रस्ते में और आकर के जो है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है कि प्रभु जिस प्रकार आपने एक मिट्टी के बर्तन को छूने से कितना बहुमूल्य बना दिया, अगर आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर दी या हरिनाम संकीर्तन जो आप बांट रहे थे अगर वो मुझे सच में मिल जाए तो कैसा ये मेरा जीवन जो है सार्थक नहीं हो सकता। इस प्रकार श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने उस व्यापारी के ऊपर भी कृपा करी और इस प्रकार हमारे गुरुदेव भी हम सब के ऊपर कृपा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराधितम श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानु गुरु परम्परा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। पिछली बार हम लोग श्रवण कर रहे थे दशम स्कंद के अंतर्गत वेणुगीत की प्रस्तावना, किस प्रकार वेणुगीत और रास पंचाध्याय इत्यादि इत्यादि अनहर जो कृष्ण भगवान के मधुर लीलाएं हैं उनके श्रवण के लिए क्या योग्यता चाहिए। हमने उसमें श्रवण किया था किस प्रकार यदि कोई ये मनोधारणा रखता है कि हृदय से काम क्रोध लोभ इत्यादि पूर्ण रूप से परिमार्जित होने के पश्चात ये मधुर लीलाएं हम श्रवण करेंगे उनका अनुकीर्तन करेंगे तो यह सिद्धांत कुछ उपयुक्त नहीं लगता। क्या पद्धति बताई है, भक्ति परेशानुभव विरक्ति, अर्थात ऐसी मधुर लीलाओं का श्रवण करते हुए श्रद्धान्वितो अनुश्रुण्यात्। हम विस्तृत रूप में इसमें श्रवण कर रहे थे कि इस प्रकार कि यदि इन भगवत कथाओं को भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण करते करते क्या होगा, हृदय से हृदय के अंदर भक्ति विराजमान होगी, भक्ति आएगी और भक्ति के आने से क्या होगा, भक्ति का यह प्रभाव है कि वो हृदय से सारे काम क्रोध इत्यादि अनर्थों को दूर कर देगी, दूरीभूत कर देगी। तो इसको एक सुंदर कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करो। एक समय पर एक सेठ जी थे, वो सेठ सेठानी दोनों अपने घर में रहते थे, बच्चे पढ़ लिख के विदेश में सेटल हो गए थे। सेठ जी का बड़ा ही विशाल घर था तो मनी मन विचार कर रहे थे कि अभी बुढ़ापे में क्या करें, हम दोनों अकेले ही हैं, घर को किराए पर चढ़ा देते हैं। तो उन्होंने फॉर रेंट लगा दिया नोटिस, किराएदार आ गए। किराएदार जो आए थे उन्होंने बढ़िया पैसा दे, जो रेंट मांगा उसी रेंट को देने के लिए राजी हो गए। सेठ जी भी बड़े खुश होकर अपना घर किराए पर चढ़ा दिया।
अभी सेठ जी ने पहले तो विचार नहीं किया था कि भैया व्यक्ति की जो आ रहा है उसका बैकग्राउंड वगैरह क्या है, कुछ पूछताछ कर लें। पैसे के लोभ में घर तो किराए पे चढ़ा दिया, बाद में पता चला कि उसने तो धीरे धीरे अपने साथियों को बुलाना चालू किया और वहाँ पे रात भर क्या चल रहे हैं, पत्ते चल रहे हैं, शराब पी रहे हैं और वहाँ पे सब नशा कर रहे हैं, सब गुंडे मवालियों को किराए पर दे दिया। अभी सेठ जी मन ही मन विचार करने लगे, भैया ये तो गलती हो गई, गलत व्यक्तियों के किराए पर चढ़ा दिया, इसको तो खाली करवाना पड़ेगा वरना पूरे सोसाइटी में हमारी बदनामी हो जाएगी। सेठ जी गए अभी उनके पास में, बोले देखो हमको तुम्हारा किराया वराया नहीं चाहिए, तुमने जो एडवांस दिया था हम तुम्हें वापस दे देंगे, तुम जो है हमारा घर खाली कर दो। तो अब वो गुंडों ने तो एक बार जहाँ हत्या लिया, जहाँ डेरा जमा लिया, वहाँ छोड़ देंगे क्या आसानी से? उन्होंने तो सेठ जी को धमकी देने लगे, बोले तुम महीने के महीने अपना किराया पकड़ो और हमारे बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सेठ जी यहाँ परेशान हो रहे, बोले घर का मालिक मैं हूँ ये है, धमकी ऐसे दे रहे जैसे यही घर का मालिक बना हुआ हो। सेठ जी परेशान तो थे ही, परेशान होते होते एक समय पर मंदिर में गए तो वहाँ पे उनके कोई सत्संग में गुरु जी आए हुए थे। अभी वो बड़े जाने पहचाने गुरु जी थे, बड़े बड़े संत थे। तो उनके पास में जाके और सेठ जी ने अपनी परेशानी बताई कि ऐसा ऐसा हो गया बाबा, हमारे घर तो किसी गुंडों ने कब्जा लिया है और खाली भी नहीं कर रहे हैं, पूरी रात उद्दंड वहाँ पर जो है उत्पात मचाते हैं। तो उसी समय पर क्या हुआ, उस एरिया का जो CM था, उस एरिया का पुलिस कमिश्नर, वो पुलिस कमिश्नर आया वहाँ पर, उसका तभी तभी ट्रांसफ़र हुआ था। तो पुलिस कमिश्नर ने आके और साधु के पास में आया, साधु को प्रणाम किया, प्रणाम करके और वो साधु से अपनी बात कहने लगा, बोले बाबा मैं आज ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ हूँ और मुझे जो है कंपनी क्वार्टर्स मिलने वाले थे, लेकिन कंपनी क्वार्टर्स में कुछ परेशानी थी, इस वजह से मुझे कुछ समय पर किराए पर रहना पड़ेगा, तो आपकी जानकारी में कोई किराया का घर है? उसने साधु को आके ये बात कही थी। सेठ जी पास में बैठे बैठे ये सारी बातें सुन रहे थे। अभी सेठ जी के मन में तो होने लगा, चलो क्यों ना हमें इन्हीं को ही किराया दे दूँ, इन्हीं को ही किराए पर चढ़ा दूँ, एक कमरा तो और खाली रखा हुआ ही है। तो सुनते ही सेठ जी तो भागे भागे दौड़े, बोले सुनो कमिश्नर साहब, आप एक काम करो, आप हमारे घर पे आओ, आप हमारे घर पे चलो, हम आपको रेंट पे दे देंगे, आप वहाँ पे आराम से रहना, जब तक आपको कंपनी हेडक्वार्टर्स मिले ना मिले पूरे समय वहीं रहना। बोले किराया कितना लगेगा? बोले किराए वराए की चिंता मत करो, आप आओ तो सही एक बार। तो ठीक है, कमिश्नर भी राजी हो गए, बोले बढ़िया बात है। साधु के पास में आए और आते ही मसला सॉल्व हो गया, परेशानी थी घर कहाँ ढूंढे, घर भी मिल गया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, कमिश्नर के साथ में डील फाइनल हुई, सेठ जी ने कहा कि अपना सामान भिजवा देना, ठीक है। अगले दिन क्या हुआ, गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, कमिश्नर का सारा लगेज, सारा उसका सामान जो था वो आने लगा। अभी ऊपर से वो गुंडे लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसका सामान आ रहा है, क्या सेठ जी कहीं जा रहे हैं ना और किसी को बुलाया है, क्या चक्कर है? तो सेठ जी से पूछा, तो बोले सेठ जी क्या हो रहा है, किसका सामान आ रहा है ये? बोले वो पगल वाला कमरा खाली था ना, वो भी हमने किराए पर चढ़ा दिया है। बोले किसको दिया है? बोले कोई नहीं, वही यहीं के SP साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, उन्हीं को किराए पर दिया है। बस ये बात सुननी थी और सारे चोरों के तो होश उड़ गए। बोले क्या, हमारे बगल में SP साहब रहेंगे, पुलिस ऑफिसर रहेगा? उन्होंने तो क्या किया, तुरंत ही वहाँ से बोरिया बिस्तर उठाया और भागे वहाँ से। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से समझा रहे, देखो सेठ जी अभी पूरे रूप में आए भी नहीं थे, अभी तक सिर्फ सामान भेजा था, सामान भेजा और जैसे ही चोरों को पता लगा कि पुलिस कमिश्नर आने वाला है इस घर में, उन्होंने क्या किया, वहाँ से भाग लिए। ऐसे ही भक्ति, ये भक्ति इतनी सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र है कि भक्ति यदि पूर्ण रूप में हृदय में आए भी ना, लेकिन उससे पहले ही हमारे हृदय के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको हमारे हृदय से चले जाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। जैसे ही भक्ति का आभास भी यदि किसी जीव को ऊपर आ जाए तो उससे ही ये सारे अनर्थ तो दूरीभूत हो जाते हैं। इसलिए यदि कोई विचार करे कि हम पूर्ण रूप से अनर्थों से मुक्त हो जाने के बाद में भगवान की इन मधुर लीलाओं का श्रवण करेंगे तो यह कुछ उपयुक्त नहीं लगता, जबकि इन सभी ग्रंथों का, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हुए, श्रवण करते करते उनका अनुकीर्तन करते करते और हृदय से सारे काम, क्रोध, लोभ दूरीभूत होंगे, ये ही सिद्धांत सर्वांग सुंदर है। नहीं तो फिर भगवान की लीलाओं की, हमारे गोस्वामी ग्रंथों की और गोस्वामियों के जो सारी टीका हैं उनकी महिमा ही क्या रह जाएगी? यदि अधिकार का विचार इस तरह से किया जाए कि पूर्ण रूप में शुद्ध होने पर हम श्रवण करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है।
दूसरी बात और एक बतलाते हैं यहाँ पे कि श्री राय रामानंद प्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रेताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कि यदि कोई कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कृष्ण भक्ति रस में भावित कि यदि किसी को मति लगवानी है, यदि कोई ऐसा साधु मिल जाए वो कैसे मिलेगा? कह रहे हैं जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। यदि करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति हो उसके फलस्वरूप आपको ऐसा साधु मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए उसके लिए बता रहे हैं तत्र लौल्यम अभी मूल्यम एकलम। कि यदि भगवान की ऐसी मधुर लीलाएं श्रवण करने का लोभ किसी के हृदय में जागृत हो जाए तो ही एकमात्र भगवान के चरणों की प्राप्ति हो सकती है। अब भैया अब ये लोभ कैसे होगा? जिस चीज़ के बारे में कभी सुनोगे तभी तो लोभ होगा ना। भगवान की लीलाओं का यदि श्रवण ही नहीं करेंगे तो उसके प्रति लोभ जागृत कैसे होगा? लोभ जागृत तो होगा जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं है ना। और एक बात और भी है, देखो हमें जो आसानी से प्राप्त है उस वस्तु के प्रति हमारा लोभ नहीं होता है ना। हम हमेशा लोभ किस चीज़ का होता है जो हमसे हमारे से बड़ी हमारे बस का नहीं है, जो हमारे अधिकार से बाहर की वस्तु है उसी के प्रति लोभ होता है। हमारे अधिकार से बाहर की वस्तु को ही हम प्राप्त करना चाहते हैं उसी के प्रति ही लोभ होता है। तो भगवान कृष्ण का प्रेम, भगवान कृष्ण की सेवा, उनकी मधुर लीलाओं का श्रवण करते करते यदि हृदय में कभी लोभ जागृत हो कि किस प्रकार ब्रज गोपियों ने कृष्ण की सेवा करी, किस प्रकार मैया यशोदा कृष्ण की सेवा करती हैं, किस प्रकार सखाओं के साथ में कृष्ण का लीला विलास है, यदि उनकी ये कथा श्रवण करते 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 हृदय में लोभ जागृत होगा तभी तो उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करेंगे। यदि कोई विचार करे कि हमारी बहुत बहुत सुकृति हम उसको पुष्ट कर लेते हैं और उसके पश्चात हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी, बोलते हैं ये कहिए तर्कसंगत नहीं लगता, ये तर्कसंगत नहीं है। इसलिए किसी भी दृष्टिकोण से विचार करके देखो, हमारे टीकाकार लोग कहते हैं कि कथा का श्रवण करने मात्र से ही यह लोभ जागृत होगा और लोभ जागृत होने पर ही हम इसके लिए चेष्टापरायण होंगे। तो इसीलिए टीकाकार श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज ने इस ग्रंथ की प्रस्तावना में ये स्पष्टीकरण देते हुए आगे वेणुगीत का प्रथम श्लोक जो है वो आरंभ करते हुए कहते हैं इत्थम शरम शच्छ ज्वल पद्मांकर सुगंधिन न्यविषद वायुनाम वात सगो गोपाल कोचितम। यहाँ वेणुगीत आरंभ करने से पहले इसके पूर्व स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने शरद ऋतु का वर्णन किया है, किस प्रकार शरद ऋतु में जो वातावरण होता है उसका सुंदर वर्णन किया है। कहते हैं कि कैसे ऋतुएं किस प्रकार आती है, ग्रीष्म, वर्षा, उसके बाद में शरद, फिर हेमंत, शिशिर और बसंत, ये इस तरह से 6 ऋतुएं होती प्रमुख। तो गर्मी के समय पर क्या होता है, सूर्य बड़ा ही तेज होता है, सूर्य की किरणें बड़ी ही चुभने वाली होती हैं, सूर्य की किरणों के कारण सबका शरीर त्रस्त हो जाता है, सारी नदियों में पानी भी सूख जाता है, सारे पेड़ पौधों में भी सारे पत्ते झड़ने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात ग्रीष्म के पश्चात जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु में कैसा माहौल है, कहते हैं वर्षा ऋतु में कहीं कहीं पर रिमझिम रिमझिम बारिश होती है, कहीं पर मूसलधार वृष्टि होती है, बारिश के प्रभाव से सारी नदियां पुनः भर जाती हैं, सारी नदियों का पानी मटमैला हो जाता है, पूर्ण रूप से लबालब होके और बाहर को आ जाती हैं, सारे वृक्ष भी हरे भरे हो जाते हैं। और उस समय पर कहीं कहीं पर तो रिमझिम बारिश देखने को मिलती है, कहीं पर मूसलधार बारिश होती है, आकाश भी काले काले मेघों से पूरा भरा रहता है। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद में आता है बसंत, वर्षा ऋतु के बाद में आता है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु के अंदर क्या होता है, शरद ऋतु के अंदर वातावरण थोड़ा शांत हो जाता है, आकाश देखोगे आप उस समय पर काले मेघ नहीं रहते, आकाश पूर्ण रूप में निर्मल हो जाता है, सारे मेघ से ऐसे आच्छादित नहीं रहता, सूर्य की स्वच्छ किरण दिखती है, रात्रि के समय पर भी तारे दिखने लगते हैं, चंद्रमा के साथ में पूरा तारामंडल सुशोभित रहता है, जल जो नदियों सरोवरों में सारा जल पूरा स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बारिश के समय पर तो क्या होता है, बारिश की बूंदों से सारा जल मटमैला रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो जल शांत होके और शरद ऋतु के अंदर पूरा स्वच्छ जल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं इत्थम शरम स्वच्छ जल पद्मांकर सुगंधिना। क्या होता है, सरोवरों के अंदर बड़े सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, नील कमल, श्वेत कमल, रक्त कमल, पीत कमल, अलग अलग कमल खिले हुए हैं और उन कमल की सुगंध वायु के साथ में प्रवाहित हो रही है,
बड़ा सुंदर वृंदावन का परिवेश दिखाया गया है यहाँ पर कि वृंदावन में क्या है, न्यविषद वायुनाम वात सगो गोपाल कोच्युतम। कह रहे हैं वृंदावन के अंदर यद्यपि बसंत ऋतु, सारी ही ऋतुएं वृंदावन में पूर्ण रूप में विराजमान रहती है, जिस प्रकार कृष्ण की लीला करने की इच्छा होती है उसी के अनुरूप योग माया वो ऋतु प्रस्तुत कर देती है। लेकिन यहाँ पर शरद ऋतु के आगमन से क्या हुआ है, कृष्ण को बड़ा ही आनंद मिला है। वृंदावन का बड़ा सुंदर परिवेश है, सारे सरोवर कमल पुष्पों से खिले हुए हैं, पेड़ पौधे उन सब पर भी क्या है, नए नए पल्लव प्रस्फुटित हुए हैं और फूल बेली चमेली इत्यादि सारे फूल खिले हुए हैं पौधों पर, सारे वृक्षों पर सुंदर सुंदर फल खिले हुए हैं, बड़े मीठे मीठे फल खिले हुए हैं। उस समय पर क्या हो रहा है, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कुसुमित वन राजी सुष्मी भृंग और द्विजकुल दुष्ट सर सरिंद्रम महेंद्र। कह रहे हैं कि कुसुमित वन राजी, जब वन का ऐसा सुंदर माहौल है उसके अंदर क्या हो रहा है, सारे वनों पर सारे पेड़ हरे भरे हो गए हैं और फूलों की सुगंध वायु के साथ बहती बहती और पूरे वृंदावन को सुगंधित कर रही है। पक्षी ने क्या किया है, सारे पक्षी एक तने से दूसरे तने, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर सुंदर सुंदर शब्द करते करते कुहू कुहू, कोयल बोल रही कुहू कुहू, सारे पपीहा सारे जो पक्षी हैं वो अपनी मधुर मधुर कंठ से कलरव कर रहे हैं। और मयूर ने क्या किया है, वृंदावन का इतना सुंदर परिवेश देख के और अपने पंख फैला लिए, पंख फैलाकर थिरक थिरक के नाच रहा है। और वहाँ पर क्या है, पूरा वृंदावन सारे पर्वत गिरिराज ये सारा वृक्षों की सुगंध से, पुष्पों की सुगंध से और पक्षियों के सुंदर कलरव से पूरा संगीतमय वातावरण हो गया है। और इस संगीतमय वातावरण को देखकर कृष्ण ने क्या किया, उनको भी बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। कृष्ण ने भी स्वयं अपनी मुरली निकाल ली, कृष्ण ने मुरली निकाल के और त्रिभंग ललित स्वरूप में खड़े होकर एक कदंब वृक्ष का आश्रय लेते हुए क्या किया, उन्होंने भी अपना वेणुनाद किया है। सुंदर उन्होंने जब मुरली बजाई है, अभी कृष्ण को देखकर उनके सखा दाम श्रीदाम मधुमंगल बलराम उन सभी ने भी अपने अपने श्रृंगार निकाल लिए, सब ने किसी के पास में मुरली थी किसी के पास में श्रृंगार था, सभी ने अपने अपने यंत्र निकाल के और वे भी बजाने लगे हैं। और क्या हो रहा है, सगो गोपाल कोच्युतम, कह रहे हैं गैया और गोपाल, कृष्ण क्या है, कृष्ण अपने घर से 9 लाख गैया चराने के लिए निकले हैं। इस प्रकार सारे सखा वे भी अपनी अपनी गैयाओं को लेकर आए हैं। तो वहाँ पर मानो ऐसा एक झुंड सा चल रहा है गाय का, सबके पास में कितनी कितनी गायें हैं, सभी गायों के साथ में और सभी सखाओं के साथ में कृष्ण ने वन की ओर प्रवेश किया है, वन में प्रवेश किया है और वन का सुंदर वातावरण देखकर क्या किया है, वेणुनाद करना आरंभ किया। तो कृष्ण की वेणुनाद के बाद में क्या और आगे होता है वो हम इसके बाद में श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज प्रसाद है, छठी है, इसलिए हम कर लेट कर दिया, नहीं तो हम 7:30 बजे 8 बजे तक आपको छोड़ देते। आज प्रसाद कोई चिंता की बात नहीं, प्रसाद पाटन कर देते। ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि श्री गोपालवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे
विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलम श्रीधर गोस्वामी महाराज की शाश्वत अभ्रमृत चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पुष्पांग अर्पण करते हुए परिति कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलम नारायण गोस्वामी महाराज जय श्री नित्यलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्री श्रीमद् भक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज शिक्षा गुरु पाद प्रथम विष्णुपाद अष्टोत्तर सहस्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलम वदन महाराज जी उपस्थित समस्त भक्तवृंद वैष्णव वैष्णवी सतीर्थ गुरुभ्रातृवृंद सबकी चरण में आदरणीय दंडवत प्रणाम स्वीकार। तो आज शिला गुरुदेव के अनुगत्य में हम लोग से छठी महोत्सव पालन करने के लिए हमें उपस्थित हुए। तो आज कृष्ण जन्म का 6 दिन हुआ आज का, तो हम लोग बड़े धूमधाम में इधर कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का और उत्सव का विशेष रूप में हमें पालन किए। तो विशेष रूप में हम जो कृष्ण जन्म का सारी सारी लीला चरित्र और वृत्तांत को श्रवण किए, ये तो एक तरफ से हो गया। बोले दूसरे तरफ एक चीज हम आज श्रवण करेंगे, बोले यदि कृष्ण जन्म के बारे में हम श्रवण किए, बोले जो दूसरा जो विष्णु तत्व साक्षात में विष्णु नारायण भगवान का जहाँ आविर्भाव हुआ था उसी लीला के बारे में हम अभी थोड़ा सा कुछ श्रवण करेंगे। बोले क्या ना, एक तो कृष्ण का जन्म हो गया हमें गोकुल में, पर वहाँ देवकी और वसुदेव से ये विष्णु तत्व की आविर्भाव होता है। बोले वहाँ किस प्रकार के माहौल था और ये किस प्रकार ये विष्णु भगवान को ये क्या किए लागे फिर गोकुल में से परिवर्तन करके ये फिर क्या रजोगमाया को लेके जाते हैं। तो इसमें पहले बताते हैं श्रीमद् भागवत में, बोले दाह कृष्ण वाहे वसुदेव आगते। तो अभी क्या हो रहा है, कृष्ण का जिस प्रकार भगवान आविर्भाव हो गए हैं, अभी उनको ये आकाशवाणी में ये हो गया कि क्या करो ना इनको लेके गोकुल से परिवर्तन करा के ले आओ। तो अभी वसुदेव ने क्या, उनके हाथ पैर में जंजीर है लोहे का, तो अभी किस प्रकार के टोकरी में जब भगवान को टोकरी में डाले और उनको उठा रहे तो आपने आप क्या हुआ ना, पहले तो इतने सारे जंजीर था वो क्या हुआ खुल गया, खुल गया। तो यहाँ में वास्तव में क्या शिक्षा देना चाह रहे, बोले कि ये भगवान क्या है, क्या है बोले कि जो भगवान के जो भक्त है तो भगवान के हृदय में इनको वहन करते हैं। बोले कि ये जो भगवान के भक्त में भी इतना शक्ति सामर्थ्य था ये है, बोले कि स्वांतस्तेन गदाभूत तिथि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाभूत। इसका मतलब ये है जो भगवान के भक्त है उनका अंदर इतना शक्ति सामर्थ्यता ये है, वो क्या करते हैं ना तीर्थ को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं। तो आज सुबह शिव महाराज जी की अच्छा बात बताते हैं, बोले तीर्थ को तीर्थत्व कैसा प्रदान करेंगे, जैसे गंगा भगवान की चरण रेणु होने के कारण चरण धोत जल होने के कारण वो क्या है पवित्र है, ठीक है। वहाँ सारी सारी क्या ना पापी लोग जाके स्नान करते, बोले अनेक अनेक पापी जब स्नान करते धीरे धीरे तीर्थ भी क्या करता है उसी पाप को धारण करते मलिन हो जाते हैं, उनके इतना पाप हो जाता है तो वो भी खुद उनके अंदर वो शक्ति सामर्थ्यता नहीं रहता दूसरे को पवित्र कराने के लिए। इसलिए वहाँ जाके भगवत भक्त जो क्या करते हैं, जो भगवान को हृदय में धारण करते हैं गदावृत को जो गदाधारी को, वो ही जब वहाँ जाते वो तीर्थ भी क्या करता है ना उनसे तीर्थत्व प्राप्त करता है। मतलब अतीर्थम तीर्थ कुर्वन्ति नाम इति तीर्थ कुर्वन्ति, अर्थात जो अतीर्थ को भी तीर्थ प्रदान कर देते हैं वो है भक्त। जहाँ साक्षात रूप में भगवान को हृदय धारण करने की इतना महिमा है और अभी वसुदेव महाराज क्या किए साक्षात रूप में वही भगवान को माथा में टोकरी में लिए, तो ये जंजीर का कहाँ से इतना शक्ति सामर्थ्य आएगा उनको बांध के रखने के लिए, इसलिए क्या हुआ अपने आप खुल गए। और जितने सारे लोहा का जो कारागार था उनके द्वार भी अपने आप क्या हो गया ना खुल गया। तो अभी जब वसुदेव ने जा रहे हैं कहाँ ना गोकुल की ओर, तो दो चीज क्या हो रहे हैं ना पर्जन उपांश, जो बारिश क्या हो रहा है ना धीरे धीरे हो रहा है और जो बिजली और ये शब्द भी धीरे धीरे गर्जन हो रहा है। तो बोले कि जो पर्जन मतलब मेघ ये धीरे धीरे अभी क्यों हो रहा है, क्या कारण है उसका, बोले कि इस कारण के लिए अभी ये जो मेघ जो बारिश है बादल है ये बड़ा प्रसन्न हो रहा है। बोले कि क्यों,
बल्कि भगवान कृष्ण कहा गया है कि श्याम घन, क्या कहा गया है, श्याम घन। ठीक है, ये जो बादल है उनका भी एक नाम है क्या, ना घन। तो वो कहते इधर बल्कि ये मन मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है, क्यों, कि बोले कृष्ण की जो कलर है ना, जो रंग है काला, मेरा भी घन वही वैसा ही काला है। तो अभी आगे जाके जितने सारे कवियाँ आएंगे ये क्या करेंगे ना, मेरे साथ भगवान की जो भगवान की जो रंग को शरीर के जो अंग कांति को ये मेरे साथ तुलना करेंगे, इसलिए वो बड़ा प्रसन्न हो रहे। और प्रसन्न होकर क्या कर रहे, गर्जन कर रहे, अभी इतना खुशी हो रहे, इतना खुशी हो रहे, वो क्या कर रहे, गर्जन कर रहे। बोले किसके पास, बोले समुद्र के पास। समुद्र के पास क्यों गर्जन कर रहे, बोले कि देख लो, क्यों, बोले ये तुम्हारा कौन आगे जाके दामाद बनेंगे, नारायण है तो लक्ष्मी के विवाह किए, बोले कि तुम्हारा दामाद है ना, देखो तुम्हारा दामाद तुमसे मैं जल लेके, तुम्हारा इतना शक्ति सामर्थ्य नहीं उनको ऊपर डालने के लिए, मैं खुद आ रहा हूँ उसने तुमसे धन्य हूँ। और दूसरा चीज क्या है, बोले कि समुद्र के सामने जाके बोल रहे है कि है समुद्र, एक तो तुम्हारा दामाद है और मैं क्या कर रहा हूँ ना, तुम्हारा और मेरे भी ये अंतर है कि हाँ भगवान की जो गुण है ये आपके साथ तुलना किया गया। भगवान को क्या कहा, बोले कृपा सिंधु, कृपा सिंधु कहा गया, करुणा सिंधु कहा गया, मतलब करुणा की जो सागर है। बोले कि ये तो गुणात्मक हुआ, ये क्या है ना गुणात्मक हुआ, मतलब भगवान की गुण के सहित तुम्हें तुलना किया गया। और मैं बोले रूपात्मक, रूपात्मक मतलब क्या ना तदात्मक इसमें है, जैसे मैं और मेरा, मैं ज्यादा हूँ और मेरा ये थोड़ा अभिन्न है, मतलब अभिन्न है, तो मगर तदात्मक क्या है ना मैं हूँ, तो मेरा जो गुण है क्या आंशिक रूप में है। तो समुद्र की ये कह रहे हैं गर्जन करके कि तुम्हें जो भगवान की गुण के साथ तुम्हें तुलना किया गया, और मुझे किसके साथ तुलना किया, बोले भगवान की रूप के साथ, मतलब तदात्मक साक्षात रूप में मुझके साथ भगवान की तुलना किया गया है, इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। अभी इस कारण के लिए बारिश के दो कारण बताए। फिर अभी क्या हो रहे हैं ना, जब वसुदेव ने धीरे धीरे गोकुल की ओर बढ़ रहे तो ये अनंत शेष ने क्या किए, भगवान के पीछे आके ये बारिश जो भगवान के ऊपर टपक रहा था, भगवान को गीला कर रहा था, अनंत शेष ने उनको ढक दिए। और क्या कर रहे, शेषे अनुद्गत बारी निभा रहे न फणी, अर्थात ये जो अनंत शेष है ये भगवान के पीछे पीछे चल रहे। तो बोले ये भगवान के पीछे पीछे अनंत शेष क्यों चल रहे, इनका तीन कारण बतलाए। बोले क्या कारण, बोले ये जो अनंत शेष है ये ही बलदेव प्रभु है, ये बलदेव प्रभु होने के कारण ये पहले भी जब रामचंद्र जी का अवतार में ये लक्ष्मण के रूप में आए थे, जिसके कारण ये भगवान के अनेक अनेक प्रकार की सेवा किए, मगर अभी बलदेव बड़े होकर आए हैं, मगर वो सेवा प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इनका मन अंदर ये शंका उत्पन्न हो रहा है, अगर भगवान बड़ा भाई हुआ इसलिए मुझे सेवा नहीं प्रदान करेंगे तो क्या करेंगे, सेवा को तो छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए क्या कर रहे, उसी सेवा को प्राप्त करने के लिए भगवान के पीछे पीछे जा रहे, पहला कारण। द्वितीय कारण क्या बोल रहे, बोले कि ये अनंत से सभी सोच रहे हैं कि ये जो वसुदेव साधारण भाग्य वाले नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो भगवान है ये साक्षात रूप में कौन है ना, ये अनंत बड़ी ब्रह्मांड की करता है, नायक है। तो साक्षात रूप में जो भगवान को अपनी माथा में वहन कर रहे हैं ये कोई साधारण नहीं, ये भी कौन है, भगवत भक्त है। इसीलिए जो भक्त है उनके सामने नहीं चलना चाहिए, उनके पीछे पीछे ही चलना चाहिए, इसलिए ये अनंत से पीछे पीछे धावन कर रहे हैं, उनका पश्चात धावन कर रहे। फिर तीसरा कारण क्या बतला रहे, बोले कि ये वसुदेव भगवान को अपने माथा में लेने के कारण ये क्या हो गए ना, बोले कि अनंत शेष भी स्वामी गुरुजन और भक्त बने। तो अभी अनंत शेष शिष्टाचार को दिखा रहे, वैष्णव आचरण को दिखा रहे कि गुरुजन अग्नि और अपने स्वामी के सामने कभी नहीं चलना चाहिए, पीछे पीछे ही चलना चाहिए, तो इसलिए अनंत शेष ने क्या कर रहे, भगवान की पश्चात धावन कर रहे। तो इस प्रकार जब आगे आगे जा रहे थे तो फिर क्या हो रहे ना, मघोनी बसत असकृत जमानुजा। तो अभी हाँ अनंत ढक दे भगवान को, फिर क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे वृष्टि हो रहा है। बोले कि वृष्टि को क्या किए ना, ये बाधा पहुंचाए जैसे भगवान की ऊपर ना आए। बोले इसके क्या कारण है, पहला कारण ये बता रहे हैं, बोले कि जो जल को कहा गया है संस्कृत में अमृत, ठीक है, अमृत कहा गया। तो अभी भगवान के स्वरूप कैसा है ना, रसो वही सह जनलब्ध आनंदी भवती, कि भगवान की स्वरूप साक्षात रूप में रसमय है वो, ठीक है। तो वयम सर्वे अमृतस्य पुत्रः, कि हम लोग भी वही अमृत के पुत्र है, मतलब भगवान के अंश होने के कारण।
तो अभी अनंत से जो बोल रहे कि देखो भगवान के सामने है जल, तू तो अमृत है, मर तू कैसा बोले थर्ड क्लास के अमृत, अब भगवान जैसा अमृत होते थे तेरा क्या प्रयोजन, इसलिए तू क्या भगवान के शरीर में तुझे कभी मैं लगना नहीं दूंगा, इसलिए ये बारिश के जल को अभी ढक रहे। और दूसरा कारण क्या है, बोल अनंत जद्य भी भगवत भक्त है फिर भी स्वरूप कैसा, बोले सांप है, सांप की एक स्वभाव है क्या करता है ना विष पान करता है। और दूसरे अर्थ में ये जल को कहीं कहीं विष के साथ भी तुलना किया गया है, तो इसीलिए बोल रहे कि ये भक्त होने पर भी अपने जो स्वभाव है कैसे त्याग करेंगे, इसलिए वो क्या कर रहे जल की पान कर रहे, बोले ये विष को ही पान करके क्या कर रहे भगवान को अमृतमय बना रहे। तो इस कारण के लिए ये जो अनंत से उनका पश्चाताप मन करके भगवान को जल से मतलब गीला होने से रुकवाए। फिर धीरे धीरे जब आगे वसुदेव जी बढ़ते तो बारिश भी क्या हुआ ना पूरा घन मतलब जोर में बारिश होने लगा, इस प्रकार बारिश हो रहा है, इस प्रकार बारिश हो रहा है और कहीं दिशा कहा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बोले इसका क्या कारण है, बोले इसमें इधर ठाकुर जी बता रहे हैं हरिशूरी नामक टीकाकार बोल रहे हैं ये जो बारिश है मघली बस असकृत जमन हुआ, जो बारिश पूरा जोर से हो रहा है तो अभी ये इधर बारिश के जो आराध्य है वो कौन है ना, बारिश कौन करा था, इंद्रदेव ने, इंद्रदेव बारिश क्यों करा रहे, बोले उनका अच्छे से पता है क्यों भगवान किस कारण के लिए जन्म लिए, बोले कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है क्या ना, इंद्र अरि, इंद्र अरि मतलब होता है शत्रु, ये भगवान इस कारण के लिए जन्म लिए कि इंद्र की जो शत्रु है उनको मारने के लिए, एक अर्थ में ऐसा, तो इंद्र को अच्छे से पता है कि ये मेरा शत्रु को विनाश करने के लिए भगवान क्या कर रहे अभी जन्म ग्रहण करे, इसमें मैं तो कुछ उनको अनुकूलता प्रदान करूंगा, बोले कैसा अनुकूलता, बोले इतना बारिश करूंगा कि बारिश का दीवार सृष्टि हो जाएगा, इस प्रकार सामने कौन है भगवान को देख नहीं सकता, और इतना बारिश करूंगा जे इतना शब्द होगा उसमें कि भगवान को जो लेके जा रहे वसुदेव महाराज वो शब्द को भी कोई सुन नहीं सकते। और दूसरा कारण ये है, बारिश जब होता है ना तो कुछ हो या ना हो अगर अच्छे से कुछ प्रसाद पा गए ना नींद अच्छा होता है, तो अभी रात की समय है, अभी इंद्र जी इस कारण के वर्षा कर रहे बोले कि अभी सब अच्छे से सो जाएंगे और भगवान की कार्य ठीक ठीक रूप में संपादित हो जाएगा, इसीलिए ये इंद्र ने बारिश कर रहे। और ये जो बारिश ज्यादा से हो रहा है अभी वसुदेव महाराज ने ये भगवान को लेके उपस्थित हुए कहा ना जमुना के किनारे, अभी जमुना के किनारे तो उपस्थित हुए वसुदेव बड़ा आश्चर्यचकित होते, बोले क्यों ये जमा जो जमा अनुजा ऐसा एक शब्द है हमें प्रयोग किए कि ये जो यम महाराज की ये क्या है ना अनुजा मतलब कनिष्ठा कनिष्ठा है, ये जो सूर्य की दो पुत्र बुद्धि क्या, एक तो है यम महाराज और ये दूसरे जमुना ठीक है। और तो अभी बोल रहे कि ये यम की बहन है, तो जैसे यम महाराज ने कार्य किया बल्कि ये क्या करते हैं ना मृत्यु मृत्यु का शरीर शरीर संचार करते हैं, तभी ये जमुना ने क्या कर रहे हैं ना अपनी हृदय को पूरा विस्तारित हुए और बड़ा विकटाल रूप दर्शन करा रहे हैं, जिस प्रकार वसुदेव डर के भाग जाए, बोले कि तो भगवान के पार्षद देंगे अनुकूलता प्रदान करना चाहिए, ये किस प्रकार ऐसा रूप दर्शन करा रहे, बोले कि ये इसमें ये कारण बता रहे, बोले पहला कारण क्या है, बोले कि पहला कारण ये है कि जो यमुना भी सोच रहे क्या कि ये जो जा रहे हैं ये कौन है ना मेरा पति है, हाँ क्योंकि कालिंदी के स्वरूप में ये भगवान को विवाह किए, तो अभी ये यमुना ने सोच रहे हैं कि भगवान पहले ही सूर्य वंश में क्या है उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो सौरी है और मैं भी कौन हूँ सूर्य की संतान हूँ, मैं भी सौरी हूँ, एक वीर जो होता है वो वीर को ही शादी करता है, अगर मैं अपनी वीरता को दर्शन नहीं कराऊंगा तो भगवान आगे हो सकता है मुझे शादी नहीं करेंगे, इसलिए क्या करें अपने विस्तार रूप देखेंगे अपनी वीरता को प्रदर्शन करेंगे, देखो मैं भी कोई ऐसे तैसे नहीं हूँ मैं भी आपकी जैसा बलवान हूँ, तो पहला कारण अपने ये रूप दिखाने के लिए। अभी दूसरा कारण क्या बोल रहे, बोले कि देखो ये जो यम महाराज है ये संघार करता है सारी सारी मृत्यु का देख रहे करते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वैसा उनको जैसा कठोर हृदय वाली हूँ, मेरे हृदय भी अत्यंत सरल है मैं भी अत्यंत उदार हूँ, इसलिए अगर आपने वृक्ष को उदार कर दिए मतलब ये दिखा रहे कि देखो मेरा हृदय कितना उदार है, ये दूसरा कारण बता रहे जमुना ये होने के लिए। और तीसरा कारण क्या बता रहे,
बोले जमुना पहले ही क्या है ना परेशान है, किसके कारण? बोले कि काल्य, ये काल्य एक ही है तो ये क्या कर रहे हैं ना, मेरा जल को अत्यंत विषाक्त कर रखा है, आसपास में कोई पेड़ पौधा भी नहीं उत्पन्न नहीं हो रहे और ऊपर से तो कोई पक्षी भी उड़ के नहीं जा पा रहे। बोले कि एक ही काल्य है, इसके कारण मेरा जल इतना दूषित हो गया, अभी भगवान के पीछे अनंत से साक्षात रूप में आ रहे। बोले काल्य से कई गुणे ज्यादा बड़े है, तो अभी ये डर गए कौन ना यमुना। बोले कि एक काल्य का था जो जितना बीस है उसको सहन करना मेरे लिए मुश्किल, अभी अनंत से साक्षात रूप में आ रहे उनको कैसे मैं सहन करूंगा, इसलिए अपने बिकटा रूप को दिखाई उनको डरा रहे, ऐ तुम भाग जाओ यहाँ से, हाँ मैं इतना शक्तिशाली हूँ। इस कारण के लिए यमुना ने क्या कर रहे, अपने रूप को इस प्रकार दर्शन करा रहे। फिर अंतिम में क्या किए, लास्ट में जब भगवान आ रहे थे वसुदेव की माथा में, तो क्या किए, जब नाक तक जल आया तो उसमें क्या किए, फिर अपनी रास्ता छोड़ दिए। तो हमारा महाराज जी की अच्छा बात बताते, बोले देखो हम लोग कृष्ण का भजन साधन करते हैं, इसलिए पहले सतर्क रहो। कृष्ण जब जब भी किस किस को उधार किए, बोले कि द्रौपदी को उधार किए, वसुदेव को उधार किए, सबको उधार किए। बोले कब उधार किए, देखो अगर तुम्हें रास्ता देना था पहले, ये वसुदेव को छोड़ना था, अनायास में आपको गोकुल में पहुंचना था, तो पहले ही तुम ये जमुना को साइड कर देते और रास्ता अच्छे से हो जाता तो चले जाते, अनायास में रह कर रख लेते। बोले ऐसा नहीं कि जब तक नाक तक पानी नहीं आया, जब तक मरने का शंका उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक ये रास्ता नहीं छोड़े। द्रौपदी को रक्षा किए, बोले इसमें क्या तुम्हारा महान गुण है, अगर तुम्हें द्रौपदी की रक्षा करना था तो पहले ही पसागल में ही पांडव लोगों को जिता देते, ऐसा किए? बोले कि नहीं, क्या किए ना, जब तक पूरा स्वभाव में ना लाए, जब तक उनका वस्त्र को निर्वस्त्र ना करे, तब तक ये क्या कर रहे ना, वस्त्र दिए नहीं। तो बोले कब, जब नाक तक जीवन ना आए ना, तो कृष्ण तब तक कृपा नहीं करते। तो इसमें ये शिक्षा देते हैं, अगर हम भजन करते हैं तो ये छोटे छोटे से जो विपत्ति बाधा विघ्न आता है, उसमें हम अपने भजन साधन को ना छोड़ के भगवान की कृपा को समीक्षा करना चाहिए। ततेनु कंपा सुसमीक्षमाणं भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्। तो फिर इस प्रकार भगवान की कृपा को क्या करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। तो इस प्रकार जब जमुना ने अपने हृदय को विस्तार कर दिए, वसुदेव महाराज अनायास से जाके कृष्ण को वहां स्थापन करके फिर ये जोगमाया पूर्णवासी ले आए। तो ले आने के बाद अभी क्या हो रहा है, जो जंजीर पड़ा था अभी आगे कारागार में, अब मगर वो जो जंजीर है ना वो भी डर रहा है। क्या डर रहे, बोले कि ये तो भगवान के पिता हो गए जैसे तैसे भी हो, हाँ तो मेरा ये अंदर इतना शक्ति सामर्थ्य कहाँ है, मैं जाके फिर उनको बांधू, तो इसीलिए किसी को कैसे पता ना चले, इसलिए वसुदेव महाराज ने खुद जंजीर को लाकर अपने हाथ में और पैर में बांध दिए। तो इसमें क्या शिक्षा दे रहे, बोले कि देखो जब तक हम भगवान को क्या करेंगे अपने हृदय में, या भगवान की भजन साधन करेंगे, बोले कि माया की कोई भी अधिकार नहीं हमको ये ग्रास करेगा, मगर जब भगवान को छोड़ के हम माया की कवल में आएंगे तो क्या करेगा, माया अपने आप ही आके हमें ये अपने बंधन में डालेगा। तो फिर क्या होगा, माया का जगत है जीवन कारागार, फिर यही कारागार में फिर जन्म होते जरावादि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक इसी तीर्थाप ज्वाला में हमेशा गतिमुक्ति हो गए। तो ये है कृष्ण का ये आविर्भाव लीला। तो आज ये छठी है जब कृष्ण का छेद भी हो गया, कौन आई थी, ये पुतना आ गई है। कहते ये जब कंस ने ये पुतना को भेज दिए, पुतना आई ब्रज में, तब यहाँ पर टीकाकार लोग कह रहे हैं जो वृंदावन धाम है ये कोई साधारण धाम है, वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं, ये चिन्मय अप्राकृत दिव्य धाम है। जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होना वृंदावन में कोई प्रवेश ही नहीं कर सकते, क्योंकि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जत तीर्ण गुण मकट मुखई, वृंदावन के जितने पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये कोई साधारण नहीं, ये सबके सब कृष्ण लीला को मदद करने वाले। तो गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुनाया करते थे, बोले एक समय किसी कारण से राधा ने मान करते, कृष्ण ने बहुत मनाने के लिए कोशिश किया, बोले इतने क्यों भूसा कर रहे हो, भूसा मत करो शांत हो जाओ, लेकिन किसी तरह से राधा ने मानी नहीं। जब मानी नहीं अभी इतने में राधा ने कुंज छोड़ करके राधा ने जा रही थी, जब जा रही थी हठात जब निकली ना एक काला सांप अपना सौर घटक उठा दिया, एक काला सांप को देखते ही राधा रानी इतनी डर गई, जाएगी क्या,
भागते हुए आई और कृष्ण की गोद में लट गई। तो गुरुदेव कहते थे देखो जो काम को कृष्ण नहीं कर पाए वो काम किसने कर दिया, एक सांप ने कर दिया। तो गुरुदेव कहते थे ये सांप कोई साधारण सांप क्या है जो राधा रानी को भी डरा सकती है। इसलिए वृंदावन के जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की कोई साधारण नहीं, ये सबके सब कृष्ण लीला के मदद करने वाले ये सबके सब, इसलिए वृंदावन धाम दिव्य है। अभी यहाँ प्रश्न होता है पुतना कंस को द्वारा प्रेरित होकर के वृंदावन में आ गई। जब वृंदावन में आ गई एक बार कंस ने भी कोशिश किया आने के लिए, जब कृष्ण ने पुतना को भेज दिया, अघासुर को भेज दिया, बकासुर को भेज दिया, लेकिन जिन जिनियों को भेजा वो सबके सब तो डी घांटते हुए आए, बोले चिंता मत करो एक मौका दो हमको। बोले भैया सबके सब एक मौका से ही गए, कोई अभी तो वापस नहीं आया, जो गया वृंदावन में सो गया, कोई वापस ना आए, कृष्ण सबको मार डाले। अभी इतने में कंस ने देखा जिनको भेजो वही वापस नहीं आते। एक बार मैं भी जा करके, मैंने सुना छोटा सा बच्चा, एक बार मैं जा करके उसको मार करके आ जाता हूँ। कंस ने कोशिश किया वृंदावन में प्रवेश करने की, लेकिन जो वृंदावन धाम है ये दिव्य धाम है, संपूर्ण रूप में जोग माया के द्वारा रक्षित है, जोग माया के द्वारा ये रक्षित वृंदावन धाम। इतने में जब प्रवेश कर रहा था कंस, कंस कितना बड़ा बलवान, कंस साधारण था नहीं, उसने परशुराम से भी, उन्होंने युद्ध करने के लिए भगवान से भी गया था। भगवान परशुराम ने कहा युद्ध क्या करोगे, मैं धनुष को उठा करके दिखा दी अगर तेरे अंदर में ताकत है। लेकिन जो धनुष को 400 व्यक्ति उठाते थे, कंस इतने पराक्रमी एक हाथ से भगवान का धनुष को उठा लिए। परशुराम मान गए भैया ये साधारण व्यक्ति नहीं, बोले ले ये धनुष को तू ले जा, लेकिन ध्यान रख इसको कोई तोड़ नहीं सकते, जो तोड़ेगा तेरे को छोड़ नहीं सकता, सावधान से धनुष को तुम रखा करो। इतने बलवान था कंस, लेकिन जब ब्रज में प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रहा था वहां पर जोग माया थी, बोले कहां जा रहे हो इधर आ, जोग माया पकड़ लिया उस गले को, पकड़ करके एक कुआ थी उसमें डुबो दिया तो कंस 100 साल की डोकरी बन गई, पूरा बाल हो गया सफेद, चमड़ा ढीली पड़ गई है, आंखी अंधी हो गई, एकदम डोकरी बन गई। बोले कंटा भी यहाँ कंटा भी, कंस ने देखा भैया हम इतना बलवान था ये क्या हो गया, मुझे डोकरी बन गई है, अभी अगर इसी रूप लेकर अगर मथुरा में जाओगे तो कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, और कंडा पिटने लगा दिया। अभी कंस कंडा थपथपा रहे, जब कुछ दिन तक कंडा थपथपाया, इतने में जोग माया सोच रही है अगर कंस अगर यहाँ कंडा थपथपाने लग गया ना, फिर तो कृष्ण का लीला ही नहीं होगा, कृष्ण लीला नहीं होगा, वही तो पुतना अघासुर बकासुर को भेजेगा, भागवत में तो इनका ही कथा है ना। इसलिए कहते जिन जिनियों को भगवान की लीला में हम शत्रु रूप में देखते हैं, दूसरे तरह से वो शत्रु नहीं भगवान की लीला को मदद करते हैं। अगर रावण नहीं होता इतना बड़ा रामायण होता, बोलो कंस नहीं होता तो कृष्ण की इतना बड़ा लीला हो सकता था, होता ही नहीं। इसलिए जोग माया ने देखा भैया सब लीला खत्म हो जाएगी, कंस को बोले अरे और आओगे वृंदावन में, बोले नहीं, बोले कान पकड़, कंस कान पकड़, बोले एक से एक बार उठ बैठ, कान पकड़ कर एक से एक बार उन्होंने उठ बैठ दिलाया और लेकर के उन्होंने कुएं में फिर डुबकी लगाया। डुबकी लगाते ही फिर हो गया कंस एकदम जवान बन गया, बोले जा यहाँ से, भूल करके भी पीछा नहीं, इधर देखना नहीं, हे कंस गया है ना कभी भी भूल से भी वृंदावन में आने के लिए कोशिश नहीं किया। बोले क्यों, फिर डोकरी बना देगी, फिर हमें डोकरी बना देगी जोग माया। इसलिए यहाँ पर जो पुतना थी 6 दिन हो गई, उन्होंने पुतना को भेजे, तब यहाँ प्रश्न करते हैं भैया ये वृंदावन धाम में जोग माया के इच्छा के बगैर, कृष्ण के इच्छा के बगैर यहाँ कोई फटक भी नहीं सकते, अब फिर पुतना कैसे आ गई। बोले ठाकुर का इच्छा, पुतना नहीं आती तो हम अब पुतना कथा कैसे सुनते। इतने में पुतना आ गई ब्रज में, जब ब्रज में आ गई तब श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं न जत्र श्रवणादिनी रख ज्ञान सुकर्म सुध्यान देकर सुन, बहुत अच्छी बात कहते हैं। ये पुतना का एक नाम होता है पूत नाम, पूत मतलब पवित्र और नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं जो अपवित्र है, जो अपवित्र है
कहते ये अपवित्र कहाँ प्रवेश करती है, बोले जहाँ पर भगवान की कृपा न पूजा पाठ नहीं है वो सारी गंदी चीज वहीं प्रवेश करती है। कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। अगर घर में महाप्रभु जो संन्यास लेकर के महाप्रभु जा रहे थे, महाप्रभु भक्तों को बुलाया बैठाया, बोले तुम लोग मेरे को प्रेम करते हो, कौन पूछ रहे ठाकुर जी अपना भक्तों को, बोले प्रेम करते हो, बोले प्रभु क्या कहते हो आप तो हमारे प्राण हो, बोले अगर मेरे को प्राण समझते हो मेरे अंतिम उपदेश को पालन करना, बोले प्रभु बताओ। बोले घर के काम दिन भर काम करोगे, जब सबके सब घर में वापस आ जाओगे सबके सब घर में थोड़ी सी में बैठ जाना, पूरा परिवार बैठ जाना, अगर मजरा ढोलकी हो बहुत अच्छी बात है, अगर ये भी नहीं हो भगवान हाथ दिया है कम से कम ताली बजा करके थोड़ी सी घर में हरि कीर्तन करना, ये भगवान स्वयं कहते हैं। और जहाँ पर मेरे कीर्तन है भगवान स्वयं कहते हैं कलयुग में मैं दो रूप में अवतीर्ण होऊंगा, एक तो अपना नाम रूप में और एक ठाकुर जी रूप में, जो विग्रह आप लोग गोपाल जी को राधा कृष्ण को पूजा करते हो मैं दो रूप में प्रकट होऊंगा। और कलयुग में जो जीवा है ये नाम की माँ है, जो भगवान का जो नाम जप करते हैं, एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जिह्वा से तो उच्चारण किया ना, नाम का माँ कौन हो गया, जिह्वा हो गया, ये जिह्वा भगवान का नाम यही हो गई माँ। माँ क्या करती है बच्चे को जन्म देती है, इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते ठाकुर जी जिस घर में बैठ करके आप देख लेना घर में बड़े दुख कष्ट जा नहीं रहे, घर में कोई दिक्कत है, घर में एक को बाद में एक दुख कष्ट आसना, कहीं तुमको जाने का जरूरत नहीं, पूरा परिवार बैठ जा, बैठ जा पूरा परिवार बैठ करके ताली बजाते हुए, मजरा ढोलकी हो तो अच्छी बात, अगर ये भी नहीं हो सबके सब बैठ जाओ थोड़े समय, हाथ में ताली बजाते हुए घर में थोड़ी सी हरि कीर्तन कर दो। हरि कीर्तन करते कत इसकी आवाज जितने दूर तक जाएगी, कद सर्व रोग विनाशनम, सर्व रोग को दूर करने वाले, सर्व विघ्न विनाशनम, सर्व उपद्रव समनम, जितने उपद्रव, उपद्रव मतलब क्या जो दुख कष्ट है सारे उपद्रव को नष्ट करने वाले, शांति दम, भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है, सर्वारिष्टम, अगर तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु हो भगवान का नाम करो सर्व शत्रु नाश हो जाएगा, बोले हरि नामान कीर्तन, हरि नाम कीर्तन से ये सारे दुख कष्ट हमारी दूर हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु संन्यास लेने से पहले सब भक्तों को बुला करके क्या करते हैं, बोले हरि कीर्तन करना, ठीक है ना, करोगे कौन कौन करेगा, सब करोगे ना, तुम लोग तो मंदिर में आ जाते हो जरूरत नहीं, जो लोग मंदिर में नहीं आते हैं है? इसलिए सबके सब घर में बैठ कर हरि कीर्तन करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं खुद कहते ये पुतना कहते जहाँ हरि कीर्तन हो वहाँ पर ये पाप नहीं आता है, लेकिन जहाँ स्वयं ठाकुर जी पर वहाँ पर पाप घिर जाएगी, जहाँ पर ठाकुर स्वयं जन्म लिए छठी है ना ठाकुर आज का दिन, कहते पुतना फिर कैसे आ जाएगी, जहाँ पर ठाकुर का नाम नहीं आ सकती है जहाँ ठाकुर का स्वयं ठाकुर जी कैसे आएगी, बोले ठाकुर ने ही बुलाया, ठाकुर ने ही उसको स्वयं बुलाए संस्कृति, बोले आ जाओ, इसलिए उन्होंने आई बड़ी सुंदर श्रद्धा से करके आई, जब रास्ता में चल रही थी जहाँ जाए एक ही चर्चा है, बोले भैया सुनो है नंदक एक लाला भयो है, वो देखने में तो कारो है लेकिन दुनिया को उजाला करने वाले बड़ा सुंदर, सब जहाँ जाए एक ही चर्चा, गली गलियों में एक ही चर्चा, नंद के लाला भयो, सुन सुन कर पुतना का कान पक गए, बोले जहाँ जाओ नंद के लाला भयो लाला भयो, अरे मेरा नाम ही पुतना, पुतना मतलब क्या, पुत मतलब पुत्र, नाम मतलब नहीं जिसका पुत्र है नहीं, जिसका पुत्र नहीं पुतना का क्या काम है, बस उसने भी समझ गई यही होगा, हिल मिल करके कहाँ पहुँच गई, नंद भवन में वहाँ पर पहुँच गई। जब नंद भवन में वहाँ पहुँच गई, अब यहाँ प्रश्न होता है भैया ये पुतना छह दिन में क्यों आ गई, छठी में क्यों आ गई,
कहते पुतना ये छठी में क्यों आई, इसका क्या रहस्य है? तो इसका टीकाकार लोग कहते हैं, पहले आप लोग सब माताएं जो बड़े बड़े माताएं आपको पता होगा, हमारे देश में जब घर में कोई बच्चा होता था ना 21 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता था। यहाँ पर भी उस दिन एक महीना के बाद में सब बेटे को कोई लेकर के आए थे, बोले एक महीना बाद में हम बच्चे को घर से ले कर आए। पहले ये होता था कंडा अंदर में कंडे को जला करके सिकाई कराई करते थे, 21 दिन तो घर से बाहर को ही नहीं निकल, आपको भी डर रहते थे हैं, उनको स्पर्श नहीं करते थे। लेकिन जब कृष्ण जन्म हुए और ब्रज में जो जन्म हुए, कौन है कृष्ण का परिकर जन्म हुए, कृष्ण भक्त जन्म हुए, जब चर्चा सुनी कृष्ण इतने सुंदर, अभी सारा दुनिया में हल्ला हो रहे हैं, नंद के लाला भैया बड़े प्यारो लाल, बड़े सुंदर लाल, अभी सारे भक्तों की इच्छा कृष्ण दर्शन करें। लेकिन पहले ये नियम था अंदर में माताओं के बगैर कोई घुस नहीं सकता, केवल माताएं ही घुस सकते हैं और कोई घर में नहीं घुस सकते थे बच्चियों को, उसी घर इंतुड़ी चला हमारे देश में कहते हैं कोई नहीं घुस सकते, केवल माताएं घुस सकती हैं। अभी ब्रजवासियों का तो दर्शन नहीं हो रहे, कोई पुरुष लोग को दर्शन नहीं हो रहा है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मेरे भक्तों का मन में बड़ी उत्कंठा है, हमें कैसे ठाकुर दर्शन कैसे मिले। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करें, क्योंकि भगवान भक्त बांछा कल्पतरु, ठाकुर जी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं, कैसे पूरी कर, बस उन्होंने पुतना को बुलाया। जब पुतना को बुलाई, पुतना घर में आई, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलना में झुलाते हैं, उसको तो गोद में लेकर के लाड़ लड़ानी चाहिए, बस उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ करके तब यहाँ प्रश्न करते हैं, तुम्हारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आए जिसको तुम देखा नहीं, वो तुम्हारे बच्चे को उठा लेगा, तुम उठाने दोगे, 6 दिन में पकड़ने दोगे? बोले भैया तू कहाँ से आए, नहीं आई पता नहीं, तू हमारा बच्चे को उठा रहे हो। अरे ये पुतना को उठाने दिया कैसे, क्यों दिए? बोले ये पुतना इतनी सुंदर थी जिसको देख करके रोहिणी जसोदा दोनों थी, रोहिणी जसोदा मैया सोच रही हैं अगर कृष्ण जितने सुंदर है ना, अगर इसकी मैया बैठने का लायक ही ना, यही है मतलब पुतना समझो इतने सुंदर ठंड बन करके आई थी। बोले सुंदरी क्यों बन करके आई थी? बोले अगर ऐसे महिला पहला पढ़ के जाओ अंदर को घुसने नहीं देगा, और इतने ठाड़ बाड़ से धाओ ना इसका हिम्मत नहीं हो। हमारी एक गुरु जी का जो गुरु आई थे भक्ति सारा गोस्वामी महाराज, वो जब जाते थे ना कहीं भिक्षा लेने के लिए, कहीं प्रचार करने के लिए, एक गाड़ी किराए में, उसमें गाड़ी में साधारण व्यक्ति नहीं बैठ सकते थे, हैं बड़े रहीसी आदमी बैठते थे, एक गाड़ी किराए में ले लेते थे, ए बढ़िया कपड़ा पहन कर, बूट कोट सूट बढ़िया पहन करके, पगड़ी बांध करके, चश्मा लगा कर, ऐसे चलते थे जैसे कोई अरब खरबपति है। इसलिए ऐसे चलते थे, जब किसी ऑफिस में घुसते थे ना, वहाँ पर गेट कीपर होता था, अपने को रोकने का हिम्मत नहीं होता था। बोले भैया तो बहुत बढ़िया आदमी दिखता है, बोले जाओ अंदर। इसलिए पुतना इसलिए इतने सुंदरी बन कर के आई, हमें कोई रास्ता में कोई रोके ही नहीं, बस सीधा अंदर में चली गई। और कृष्ण को जब उठाई, उनको हिम्मत नहीं हुआ मैया जसोदा और रोहिणी को बोलने के लिए, भैया तू कहाँ से आई, क्यों लाला को पकड़ रहे हो? बोले ये तो कृष्ण की मैया बनने का लायक यही है, बस उन्होंने सीधा उन्होंने कृष्ण को पकड़ कर जब गोद में लेकर के स्तन पान कराया, स्तन तो थी नहीं उसमें, काल कुट जहर भरा हुआ था, कृष्ण स्तन क्या पान कर, कृष्ण उसकी प्राण को उन्होंने श्वसन की। बोले ये क्या है, ये तो मेरे प्राण को ले रहा है, श्वसन कर रहा है, छुड़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। कृष्ण बोले भैया मैं तो किसको पकड़ता है ही नहीं, लेकिन एक बार पकड़ लो ना, मैं तो किसको छोड़ना सीखा ही नहीं। बस कितने में उतना सोच, मैं मथुरा किसी तरह से चल जाऊं, भैया कुछ ना कुछ व्यवस्था करेगा। बस उसने पकड़े और आकाश में उड़ चली। आप लोगों को सब पता है लेकर के कहाँ पर गिराया, कहते ब्रजवासियों का कोई भी खेती, कोई भी ब्रजवासी का जो उनका जो खेती था, कोई खेती बर्बाद नहीं हुई, लेकिन नष्ट किसकी हुई, कंस का जो बगीचा, जो सुंदर बगीचा थी, सबसे प्यारा बगीचा, सबसे सुंदर फल मूल जिसमें होता था, कंस का निर्देश था ये फल किस कृष्ण भक्तों को नहीं लगनी चाहिए। पुतना बोले दारी के दुनिया बनाया मैंने, दुनिया मैंने बनाया, और मेरे को मेरे भक्तों को भोग की चीज भोग नहीं लगेगा, अभी मैं दिखाता हूँ। हे पुतना पूरा उड़ कर गई, पुतना कृष्ण वहीं पर ले गए, कितना लत्री गुती आठर नेग थी। कभी कभी कथाकार लोग कहते इतने बड़ी थी, जहाँ पर उसके हाथ गिर पड़ा उसका हाथरस नाम हो गया, जहाँ पर उसका अलंकार गिर पड़ा उसका आदिगढ़ नाम हो गया,
जिसका शरीर गर्व पड़ा वहां पर हो गया आगरा है, और जहां पर अलंकार किया अलीगढ़ हो गया। तो इतने बड़ी पुतना थी, लेकर के सीधा उसने उसकी बगीचा में धड़ांग करके गिराई तो सारे पेड़ पौधा को खत्म कर दिया। भगवान क्या सिखा देते हैं? भगवान ये सिखा देते हैं, घर में जो चीज तुम्हारी बनती है सबसे पहले क्या करो, ठाकुर को भोग लगाओ। ठाकुर जी को भोग लगाओ, क्यों? भगवान का दुनिया थी, भगवान ने बनाया, हमने कोई चीज नहीं बनाई। अगर कोई चीज ठाकुर के भोग लगा अगर खाओगे ना, हर चीज पैसा से खरीदी करते, पैसा लक्ष्मी अगर ठाकुर के सेवा में नहीं लगेगा तो कौन घर में आ जाएगी भाई? बोलो कौन आएगी? पुतना आएगी घर में, पुतना उड़ करके आकर घर में ऐसे गिरेगी ना पुतना, सब सत्यानाश कर देगी। इसलिए हर चीज क्या करो, ठाकुर की सेवा में लगाया करो, भोग में लगाया करो, ठीक है ना। भोग लगाए बगैर भोजन नहीं करनी चाहिए। और पुतना जब मर गई उसका शरीर को जलाए, और जितने जब जलाए ना उसके शरीर से ऐसे खुशबू निकल रही थी, ऐसे लग रहा था कोई ब्रह्मलोक से मानो स्वर्ग लोगों से कोई अगुर चंदन कर्पूर की कोई सुगंध आ रही, और ये चारों तरफ में फैल गया। बोले भैया इतने सुंदर सुगंध क्यों आ रहा है? क्यों? भगवान ने स्तन को स्पर्श किया। हे जितने सारे ब्रजवासी थे, बोले इतने सुंदर सुगंध कहाँ से आ रही है? सब के सब इकट्ठे हो गए, सारे बसारे इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर क्या किया? कृष्ण दर्शन हो गया। बस जो ब्रजवासियों की इच्छा थी मैं अपना भक्तों को दर्शन दू, सारे भक्त लोग भगवान को, आज का दिन छठी का दिन ठाकुर जी समस्त भक्तों की इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर दिया। इसलिए हम लोग भी भक्त है, भगवान सारे भक्तों की इच्छाओं को पूरी करे, और सबको प्रेम और भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा ठाकुर जी सबको प्रदान करे ठाकुर जी। इतने में भगवान जो पुतना को मार डाले, पुतना को शरीर को जलाया, तो यहाँ पर कहते हैं भले भैया अगर भक्ति करना है ना केवल कृष्ण भक्ति करो, और किसको भक्ति नहीं करो, मना कर देते हैं। बोले क्यों मना करते हैं दूसरे को भक्ति करने के लिए? सुन लो ध्यान देख रहे, यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले पुतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना जिज्ञासया अपि असाधि। यहाँ पर कहते हैं पुतना को अंदर में सारे अपगुण है। पहला गुण है पुतना, पुतना मतलब जो पवित्र नहीं अपवित्र। दूसरा नंबर है बच्चों की खून पान करने वाली। तीसरा है ठाकुर जी के लिए जहर लेकर के आई थी। और चौथा राक्षसी, जिसकी अंदर में सारे अपगुण, कोई भी गुण उसका अंदर में नहीं थी, लेकिन ठाकुर जी क्या किया, ऐसे पापिनी को भी उन्होंने स्थान दे दिया गोलोक वृंदावन में, जहां तक धाई मैया मतलब मैया जसोदा की आनुगत्य में जो सेवा करती है ना, उनको स्थान दे दिया गोलोक वृंदावन में, स्थान दे दिया। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो इतने दुष्टा थी बदमाशी थी, ठाकुर उसको गोलोक वृंदावन दे दिया। पहला नंबर कौन थी? पुतना, मतलब क्या, जो पुत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं जो पवित्र अपवित्र थे। अगर एक अपवित्र व्यक्ति को ठाकुर वहां स्थान देते हैं, अगर कोई ठाकुर का दरबार में आए स्नान करके तिलक लगा करके और बढ़िया कपड़े पहन करके आए ठाकुर के सामने, तब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अपवित्र व्यक्ति को अगर गति दे सकते हैं, अगर ठाकुर को पास में अगर अच्छे कपड़े पहन करके आए, पर ठाकुर जी को क्या नहीं, ठाकुर जी के लिए क्या लेकर के आए थे? बोले जहर। जो जहर लेकर के आए थे ठाकुर कहाँ स्थान दिया? गोलोक वृंदावन। अगर कोई ठाकुर को पास में आए, अगर कुछ भी नहीं भक्ति भाव से आ गए, नहीं तो ठाकुर के लिए वही फल लेकर के आ गया, नहीं तो ठाकुर का सबसे प्यारा मक्खन लेकर के मिश्री लेकर के आ गया, फिर ठाकुर देख रहे ना भाई भैया मेरे लिए फल लाया, फूल लाया, मिश्री लाया, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। मतलब चौथा नंबर में राक्षसी, मतलब एक राक्षसी को अगर ठाकुर जी इतने उच्चा गति दे सकते हैं, राक्षसी को अगर कोई ठाकुर जी को पास में कोई अगर उसकी भक्त है भक्ति करने वाले हैं, साधारण कोई व्यक्ति आ जाए, पर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए कहते हैं किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि, जो परमात्मा कृष्ण को अगर कोई भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अगर उनको भक्ति करेगा, फिर ठाकुर जी उसको क्या नहीं देंगे, ठाकुर उसको क्या नहीं देंगे। अभी हमारे शुभम प्रभु बोल रहे थे ना ठाकुर जी के लिए फल लाए, तो ठाकुर जी
उसको उसको टोकरी को सोने चांदी में हीरे जवाहरात से भर दिया ठाकुर जी। ठाकुर जी इतने दयालु, ठीक है ना, क्या करना है, ठाकुर को रोज भोग लगाकर प्रसाद बना और भगवान की भजन करना, हरिनाम करना और भगवान की भक्ति करो और सबके साथ सुख और भगवान की शांति में सबके साथ सुख शांति में रहा करो, ठीक है ना। हाँ, इसलिए आज भगवान का छठी है, छठवां दिन ठाकुर जी का हुआ है। अब लोग कोशिश करना रोज रोज आने के लिए। आज तो प्रसाद है इसलिए हमने थोड़ी सी लेट कर दिया। हम पता है यहाँ पर सब लोगों को कथा के बाद में सबके सब प्रसाद पा करके जाओगे, इसलिए मैंने जानबूझकर थोड़ा लेट कर दिया। लेकिन वही से हम लोग 7:30 बजे यहाँ, 6 से 7 तक कथा है और 7 से 7:30 तक आरती, उसके बाद फिर आप लोगों को छुट्टी दे देंगे, ठीक है। आज प्रसाद की वजह से आप लोगों को मैंने थोड़ी सी लेट कर दिया। और देखो जैसे आज आप लोग आए हो, कोशिश करना रोज आने के लिए, क्योंकि रोज आओगे ना तुम्हारी भक्ति हरी भरी रहेगी। जैसे गमला में एक पौधा लगाया, अगर आप पानी नहीं दोगे फिर सूख जाएगा। जैसे घर में एक दिन अगर झाड़ू बुहारे नहीं लगाओ ना, दूसरे दिन तक वो घर गंदा हो जाती है। इसलिए किसकी भक्ति खिला हुआ रहता है, जो जो लोग मंदिर में रोज आते हैं ना, उनकी गले में ही कंठी देखता हूँ, वही तिलक लगाए हुआ देखता हूँ, वही व्यक्ति को देखता हूँ भगवान के नाम जप करते हैं। हर मास 6 महीना में अगर जो आते हैं, देखता हूँ गला से कंठी उतर गई, माला हरिनाम करती नहीं। एक व्यक्ति आए बोले गुरु जी अब से मैंने हरिनाम लिए, बोले हरिनाम लिया गले में कंठी का टूट गया, बोले कितना हो गया, बोले बहुत दिन पहले, बोले माला करते बोले कभी कभी कर लेता हूँ, क्योंकि इसलिए कहते बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। इसलिए जब तक साधु संग नहीं करेंगे पर हरी भरी भक्ति कैसे रहेगी, रह ही नहीं सकती। इसलिए कोशिश करना कम से कम दिन में एक बार कथा का समय, फिर दूसरे समय में आने की जरूरत नहीं, केवल कथा का समय में आने के लिए कोशिश करना। और हो सके जो आसपास में रहते हो कोशिश करना मंगला आरती में आने के लिए। कुछ कुछ माताएं तो मंगला आरती में आती है, और जिनका घर में, इसलिए आप लोगों के लिए हमने 5 बजे मंगला आरती, 4:30 था, 5 बजे कर दिया, क्यों सब लोग मंगला आरती में आ सके। जगह जो देखे मंगला वो कभी ना नहीं हो कामला है, जो देखे मंगला करते ना मंगलो भवन अमंगल हरि, जो मंगला आरती दर्शन करते उसका कभी अमंगल होता है नहीं। इसलिए कोशिश करना सबके सब मंगला आरती में आए और भगवान कथा सुने, भजन करे और जीवन में सुखी और जीवन में शांति में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। आज आप सभी के लिए प्रसाद है, हमारे श्री सत्यनारायण प्रभु प्रभु के घर से है, उनके बच्चे भी यहाँ पर आए हैं उनकी घर से। बोला आज छठी है इसलिए हम चाहते सब भक्तों को प्रसाद मिले, इसलिए आप लोग कढ़ी चावल और भी चीज क्या है, छुआनी, मैं तो जीवन में पहले बार सुना इधर छुआनी की अच्छा है, छुआनी बनाए सब भक्तों को मिले प्रसाद। मैंने कहा छुआनी क्या चीज है, हाँ छठी में होता है ना, और जब ओ जब छठी में मैया को पिलाते हैं छुआनी, हाँ ठीक अच्छी बात है, हाँ हाँ ठीक ठीक। अब लोग प्रसाद है, अभी प्रसाद के लिए तैयारी हो जाओ, सब लाइव के लिए बैठ जाना, ठीक है। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे
बधाई गा लेते हैं हमारे प्रभु ब्रज के स्वर जो थोड़ी सी 5 मिनट आप खड़ी कथा सुनाएंगे दे 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 एक बधाई सुनना प्रसाद लेके प्रसाद तैयार कर दो भोग लग गया कि नहीं प्रसाद अब प्रसाद को बाल्टी में भर दो सब प्रसाद को कढ़ी और चावलों को बाल्टी में और छुआनी को बाल्टी में भर दो बोल जाओ बोल जाओ हाँ कहूँ को हरिनाम हरिनाम हम जानत मेरा नसया सब सब रेडी कर दो सब पार्टी में भर दो चले तुम्हारे तस्मै श्री गुरु नमः गुरु गोरतुरा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उपस्थित हमारे वैष्णव वैष्णव एवं गुरुवाय गुरु बहन सभी के चरणों में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हूँ। फिर हमारे श्री भक्ति वेदांत बोधायन महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए हमारे गौड़ीय परंपरा गुरु वैष्णव के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करता हूँ। गुरुदेव के आदर्श है कि कुछ भी हरि नाम के कृष्ण के बारे में बतला दूँ। इसलिए जो लोगों ने माला लिए हो नहीं, जब गुरुदेव हमें माला देते हैं माला नहीं हमें ठाकुर दिया है, इसलिए नियम है कभी भी माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए। भूखा मतलब है अगर एक दिन हमने माला नहीं जब भी मतलब किया ठाकुर जी दिन भर भूखे रह गए, खाना नहीं खाए, कपड़ा नहीं बदलाए, स्नान नहीं है, इसलिए कभी भी खुद भूखे रह जाओ, इसलिए माला कोई भूखा नहीं रखनी चाहिए। तो कोशिश करना रोज रोज आने की, ठीक है, इसलिए जल्दी कथा को 6 से 7 तक आपको विस्तार कर दे। गुरुदेव आप लोग का भी सुना रहे थे कि रोज रोज आप भागवत श्रवण करने के लिए आया करो, तो भागवत श्रवण करने से क्या होता है? हमारे गौरसुंदर प्रभु भी बोल रहे थे भागवत श्रवण करने से, तो कहानी आपको सुना रहे थे ना, कोई कहानी के माध्यम से मैं भी इसे कहानी सुनाता हूँ। भागवत श्रवण करने से क्या फायदा होता है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मस्तरणम संतम वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु श्रीमदम तापस्त्रयमूलम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किमा परेश्वर सद्य हृदय अवरुद्यते अत्र कृति भी शुश्रूषुभि तदक्षणा। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र ये श्रीमद्भागवत महापुराण एक परम धर्म की व्याख्या हुई जिसमें कोई कपट ही नहीं है। कपट किसको कहते हैं? न धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको कपट कहते हैं। इस धर्म श्रीमद् भागवत में ये रहित है, ये वंचित है, क्यों उसे कपट कपट है इसके लिए? तो ये श्रीमद् भागवत पर किसी को श्रद्धा है ना, परम निरमस्तरण संतम जो परम हंस जिसका मतलब जो श्रेष्ठ वैष्णव है जिनका कोई कामना वासना ही नहीं, जिनका जो जिनका हृदय निष्काम है, इनको ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रिय है। प्रिय श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हमको किसको जाना जाता है? ना वास्तव अत्र श्रीमदम कि वास्तव अर्थ कौन है? ना स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इस श्रीमद् भागवत के द्वारा हम जान पाते हैं। फिर इस भागवत जब कृष्ण को हमें जान लेते हैं, कृष्ण को जानने के बाद हमारा क्या होता है? ना त्रिताप उल्लम मतलब त्रिताप, जो त्रिताप क्या है ना आदि दैविक आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक, ये तीन ताप हमसे हमारे हृदय से दूर हो जाता है। तो आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ये क्या है? ना आदि दैविक क्या है? ना आदि दैविक मतलब जो देवता के द्वारा हमको दुख मिलता है, जैसे कि कभी अभी ध्रुप हुआ, अभी बारिश, कभी बारिश या बाहर आ गया, या कभी ज्यादा ध्रुप हुआ, कभी
पढ़ो, अभी कोरोना का बीमार आ रहा है, इसे ही तो हमको देवता के दुख मिलता है। फिर आदि दैविक, फिर आदि भौतिक क्या है ना, आदि भौतिक जैसे कि हमारे भौतिक मतलब जो जीव प्राणी से, प्राणी से जो हमको दुख मिलता है, प्राणी मतलब क्या, आज चिट्ठी काट लिया दुख मिला, तो कोई हमको थप्पड़ लगा दिया दुख मिला, कुत्ता काट दिया दुख मिला, ऐसे उसको आदि भौतिक, इसी दुख से हमें मुक्त हो सकते हैं। फिर आध्यात्मिक क्या है ना, आध्यात्मिक मतलब जैसे कि हमारा मानसिक और शारीरिक, शारीरिक कष्ट मतलब जो हमारे 64 शरीर में बीमारियाँ है, वो बीमारियाँ उत्पन्न हो जाता है, कभी कोई बीमारी आता है। फिर मानसिक बीमारी क्या है, कोई घर में बेटा बात नहीं सुनता है तो बेटी बात नहीं सुनता है, ऐसे हमको आध्यात्मिक जो मानसिक एवं शारीरिक दुख मिलता है उसको आध्यात्मिक कहते हैं। फिर कहते हैं ना श्री श्री साध्य हृदय अवरोधते पृथ्वी प्रत्यक्षण ना, ये श्रीमान ये मुनि मुनि मतलब व्यासदेव इस श्रीमद् भागवत को रचना किए, इसी भागवत को श्रवण करने से तो हमारा हृदय में क्या होता है ना, भगवान तुरंत आके वास कर लेते हैं, तो जैसे तुरंत भगवान आके हमारे हृदय में बैठ जाते हैं तब हमारा क्या होता है, जो जितना जो कलमश जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब हमारा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान जब अंदर हमारा भगवत श्रवण करते हैं तो भगवत श्रवण करने से तो हमारे करने के द्वारा भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं, वास करने के बाद जब हम घर में चले जाते हैं, अभी जब आप लोग भाग चले जाओगे घर पे तो भगवान आप जब विश्राम सो जाओगे तब भगवान सोचेंगे कि मैं कहाँ से आगे फंस गया, इसके अंदर इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जैसे भरा हुआ है, तो भगवान सोचेंगे ये कैसे जल्दी जाएगा, मैं फिर सुबह उठ चला जाऊँगा। तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है, फिर सुबह की भागवत में बैठ जाता है, बैठ जाता है तो कृष्ण जब निकालना चाहते हैं हृदय से लेकिन वो निकाल नहीं पाते, क्यों निकाल नहीं पाते ना, अब भागवत श्रवण करने के लिए बैठ गए ना, तो कृष्ण फिर आपके हृदय में बंदी हो जाते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, रोज रोज कथा सुनेंगे तो जैसे सो करके उठते हो, ठाकुर तो आज तुम्हारे हृदय में तो बैठ गए लेकिन कल फिर उठ करके जाना चाहेंगे, लेकिन अगर कल फिर आकर कथा में बैठ जाओ फिर ठाकुर तुम्हारे हृदय में बैठ गए, मतलब ठाकुर जी निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जो रोज रोज जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला Yeah.
बोले महाप्रसाद की कृष्ण के छठी की जय जय श्री राम। सब सब लाइन से बैठ जाते हम लोग हम लोगों को बोल सकते हो, हम लोग जाकर के घर के कीर्तन करें।